वेलकम बच्चों, आज हम लोग जो है लाइंस एंड एंगल क्लास नाइन्थ के बारे में पढ़ेंगे। और ये पिछले क्लासेज में हम लोग कुछ डिफिनीशन और ये पढ़ चुके हैं, तो आप देखते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, जिससे आगे की वीडियो में और सुधार हो सके। तो हम लोग शुरू करते हैं लाइंस एंड एंगल। अब ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा बेसिक टर्म्स एंड डिफिनीशंस, जो भी आधारभूत पद हैं और परिभाषाएं हैं उसको देखेंगे। दूसरा है इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जो है छेदक रेखा और अछेदक रेखा। फिर है तीसरा पॉइंट पेयर ऑफ एंगल्स, कोणों का युग। चौथा पॉइंट है हमारा पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल लाइन, अर्थात समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। इसके बाद हमारा पॉइंट है लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, पैरेलल लाइन के सामने उसके साथ एक लाइन और पैरेलल है तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और अंतिम है इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग और तीनों बाह्य कोणों के संबंध में हम लोग रिलेशन सीखेंगे, जानेंगे क्या है। तो ये छः पॉइंट इसमें कवर करेंगे। आगे आप देखिए, हम लोग चलते हैं पहले बेसिक टर्म्स पे, बेसिक टर्म्स एंड डिफिनीशंस। तो पहला पॉइंट हम अगर हम ज्योमेट्री शुरू करते हैं तो उसमें होता है पॉइंट। पॉइंट इज दैट विच हैव नो पार्ट इज डिनोटेड बाई द कैपिटल लेटर एज लाइक पॉइंट ए, पॉइंट बी, ईटीसी। बिंदु वह है जिसमें कोई भाग नहीं होता, अर्थात इसमें न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है। तो अर्थात ये भी कह सकते हैं पॉइंट डायमेंशन लेस होता है, लेंथ विड्थ नो, पॉइंट हैव नो डायमेंशन। और इसको डिनोट करने के लिए एक बिंदी लगा के कैपिटल लेटर्स लिख देते हैं, इस तरह इसको डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है लाइन, लाइन इज ब्रेथ लेंथ, अर्थात लाइन हमारी जो है बिना चौड़ाई की लंबाई है, अर्थात हम ये कह सकते हैं लंबाई में केवल लाइन में केवल लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। अर्थात लाइन वन डायमेंशन होती है, पॉइंट नो डायमेंशन होता है और लाइन वन डायमेंशन होती है। आप ये देख सकते हैं कि एक लाइन ए बी है और दोनों तरफ एरो लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों दिशाओं में अनंत रूप से फैली होती है। और जब भी इसको लिखते हैं तो दो अक्षर से लिखते हैं, रिटेन एज ए बी, और उसके ऊपर दोनों तरफ तीर का चिन्ह लगा देते हैं, जिससे ये डिनोट करता है कि यह ए बी एक लाइन है। ये आप देखिए, ये हमारा लाइन है ए एंड बी, इसको ए एंड बी लिखते हैं, इसको हम बी ए भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट लाइन में नहीं होता है, दोनों सेम है। तो हम लोग लाइन को ऐसे डिनोट करते हैं। अब अगला हमारा बिंदु है लाइन सेगमेंट, इट इज अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स, इट इज डिनोटेड बाई ए बी, उस पर एरो लगा हुआ है। तो लाइन सेगमेंट जो है जनरली लाइन का एक पार्ट होता है और इसमें दोनों एंड होते हैं, जैसे आप इधर देख रहे हैं ये भी एंड पॉइंट है, ये भी एंड पॉइंट है। तो इसको हम लोग जो है ए बी या बी ए भी लिख सकते हैं, कोई भी एंड पॉइंट पहले या बाद में आ सकता है। तो रेखा की तरह इसके भी लिखते हैं, लेकिन रेखा में दोनों तरफ एरो होता है, लाइन सेगमेंट में रेखाखंड में एरो नहीं होता है। ये बताता है कि ये लाइन है और ये लाइन सेगमेंट है। अगला हम लोग देखते हैं रे। रे क्या होती है? रे इट इज द विथ वन एंड पॉइंट इज इट डिनोटेड बाई ए बी। तो देखिए, जो रे होती है इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं,
यहाँ जो है रे में एक ही तरफ शुरुआती पॉइंट तो होता है जिसको हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, और ये जिससे होकर जाती है उसको एरो से, तो ये दिशा बताती है कि किस दिशा में जा रही है। तो इसमें एक इंड पॉइंट होता है, इंड पॉइंट को हम प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, और दूसरा पॉइंट जहाँ से होकर जाती है। तो रेखा में एक इंड पॉइंट होता है और दूसरे तरफ एरो, तो यह एक ही दिशा में फैली होती है, दूसरे दिशा में नहीं। तो रेखा जो है दोनों दिशाओं में फैली होती है और रे केवल एक दिशा में फैली होती है। आप ये देख सकते हैं, डिनोट डिनोट करने के लिए इसको लिखते भी हैं, तो ए बी पर एरो लगा देते हैं, मतलब ए से प्रारंभ होकर बी तक जा रही है। इसको ये जो है इसको हम बी ए नहीं लिख सकते। अगर ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब ये बी से शुरू होकर ए के जा रही है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों सेम नहीं हैं। अर्थात ए बी एरो इज नॉट सेम बी एरो, ठीक है, नॉट सेम है, सही नहीं है सेम। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें गलती कर देंगे तो आप गलती कर सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि कभी भी इस तरह नहीं लिखेंगे। अगला है कोलिनियर पॉइंट। इफ थ्री आर मोर पॉइंट लाइज ऑन द सेम लाइन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर द फिगर शोन एबव। अ ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट। तो अब यहाँ देखिए, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही लाइन पर हैं तो उन्हें हम कहेंगे ये कोलिनियर हैं, और नहीं तो कहेंगे कि ये नॉन कोलिनियर हैं। तो अगर ये इधर से इधर जा रहा है और ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं तो ये कहेंगे कि ये कोलिनियर हैं। अगर इसलिए तीन पॉइंट या तीन से अधिक कहा जाता है कम, क्योंकि दो लाइन से हम एक ही लाइन खींच सकते हैं। तो अगर दो पॉइंट दिए हैं तो एक लाइन तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन अगर उससे अधिक उस लाइन के बीच में है या उसके आगे पीछे हैं तो हम तो ये कहेंगे कि ये कोलिनियर हैं। तो तीन या तीन से अधिक पॉइंट से ही हम कोलिनियर नॉन कोलिनियर की बात कर सकते हैं। अगर दो पॉइंट हैं तो उससे वो केवल लीनियर ही होंगे। अब नॉन कोलिनियर का एक उदाहरण देखते हैं। देखिए, ये थ्री पॉइंट्स ए बी सी, अगर हम इनको मिलाएँ तो एक लाइन नहीं बनती है। ए बी से एक लाइन बन गई, ए सी बी सी से अलग लाइन, ए सी से अलग लाइन, तो ये तीन लाइनें बन जाएंगी। तो तीन पॉइंट है तो तीन लाइन बन जाएगी, तो इसका मतलब ये तीनों कोलिनियर नहीं हैं। तो अगर कोलिनियर हैं तो एक लाइन पर तीनों पॉइंट मिलेंगे, अगर कोलिनियर नहीं हैं तो तीन पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो उनसे तीन लाइन बनेगी दो दो करके, क्योंकि दो पॉइंट से एक लाइन, तो तीन का जो है कम्बिनेशन करेंगे, तीन पॉइंट का दो दो को लेकर, तो तीन कम्बिनेशन बन जाएगा। अब है एंगल। इट इज फॉर्म व्हेन टू रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम इंड पॉइंट द रे व्हिच फॉर्म एन एंगल कॉल्ड इट्स आर्म एंड इंड पॉइंट्स इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब यहाँ देखिए, एंगल किसे कहते हैं? जब जो है दो रे एक ही जगह से निकलती है तो हम कहते हैं कि ये एंगल बना रही है। अब यहाँ देखिए, एंगल का चित्र भी बना हुआ है। तो इसमें दो रे एक इस दिशा में जा रही है, एक इस दिशा में जा रही है, और दोनों का ओरिजिनेट पॉइंट ए है। तो इस एंगल का वर्टेक्स भी ए है, अर्थात जहाँ से दोनों रे ओरिजिन होती हैं, जहाँ से निकलती हैं, उसे एंगल का वर्टेक्स कहते हैं। और शेष दोनों को जो दो दिशाओं में वहाँ से जाती हैं उनको कोण की भुजा कहते हैं। तो एक कोण में इसको डिनोट करने के लिए, जैसे ए है, ये मान लीजिए एक्स से जा रही है, ये वाई से, तो इसको एंगल ए से भी डिनोट कर सकते हैं। सबसे अच्छा इसको डिनोट करना है कहाँ से? एंगल एक्स ए वाई, अर्थात हमेशा जो है वर्टेक्स अक्षर बीच में रहेगा। तो तीन अक्षर से दिखाना है, तो इसमें पता चल जाता है कि यह इसका वर्टेक्स है, इसकी एक रे इधर है और दूसरी रे इधर है, अर्थात इस कोण में दो रे है, एक ए एक्स है, दूसरी ए वाई है, ये इसका वर्टेक्स है।
लोग जो है बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए। आगे का बेसिक कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ एंगल, ये हम लोग जो पिछले क्लासेज में पढ़े हुए हैं उसके बारे में देखेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल 6 में ही देख चुके हैं, तो फिर से इसको हम लोग दोहरा लेते हैं। पहला हमारा एंगल है एक्यूट एंगल, इट इज़ द एंगल हुज मेजर बिटवीन 0 to 90, वह एंगल जो 0 से अधिक और 90 से कम होता है उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। इसको इस तरह बना हुआ है, आप देख सकते हैं। मान लीजिए यह ए है और ये बी है और दोनों का ओरिजिन पॉइंट ओ है, तो इसका मान जो है ये 0 से अधिक और 90 से कम है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कहते हैं इसको हम एक्यूट एंगल। अब दूसरा होता है हमारा राइट एंगल, इट इज द एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज नोन एज राइट एंगल। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ये जो हमारा एंगल है, अगर इसको हम ओ कहें, ये हमारा ए हो और ये बी हो, तो इसके बीच का जो फैलाव है ये हमारा 90 डिग्री की है, अर्थात एक दूसरे पर ये खड़े हैं, तो ये हमारा हो गया राइट एंगल। अब हमारा चल रहा है तीसरा एंगल होता पढ़े हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल, इट इज़ द एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। जैसे मान लो इसका नाम दे दिया हमने ए बी और सी, तो ये हमारी दो है और ये फैलाव जो है हमारा 90 से बड़ा है, इसलिए ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। अब इसके बाद अगला एंगल है हमारा टाइप स्ट्रेट एंगल, इट इज द एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा एंगल जिसका माप 180 डिग्री है उसे हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं, अर्थात इसकी दोनों आर्म्स विपरीत दिशाएं में होती है और ये 180 डिग्री होता है, तो ये समझिए कि आप इसको स्ट्रेट कहते हैं क्योंकि ये सीधी होती है, इसकी जो एंगल बनाने वाली आर्म्स होती हैं वो एक दूसरे के एकदम विपरीत दिशा में होती हैं, तो इसको इसीलिए स्ट्रेट, क्योंकि सीधा होता है इसलिए स्ट्रेट एंगल इसको कहते हैं। अगला है हमारा रिफ्लेक्सिव एंगल, इट इज़ द एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, ये एंगल आप देखिए जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है इसको रिफ्लेक्सिव एंगल कहते हैं। तो देखिए इसका मेजर जब भी होता है तो ये इधर से घुमाते हैं, मतलब ये लाइन जो है हमारी एंगल बनने वाली लाइन इधर से इधर घूम के आई हुई है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव एंगल कहलाता है। इसके बाद हमारा आता है कंप्लीट एंगल, इट इज़ द एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये देखिए 360 डिग्री है, तो अब यहाँ इसको हम देख सकते हैं कि ये लाइन जो है पूरी यहाँ से घूमते हुए ऐसे पूरा घूम के फिर उसी स्थिति पर अपने पूर्व स्थिति में आ जाए, तो इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल, जो 360 अगर मतलब रे पूरा एक घूर्णन पूरा कर ले तो वह कंप्लीट एंगल बना जाती है, जो कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब हम लोग जो है अगर इसी पोजीशन में है तो एक जीरो एंगल इसे कहते हैं, अर्थात इट्स एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 0 डिग्री, इट्स कॉल जीरो एंगल। इसमें आप देखिए कि दोनों रे जब एक ही पर कोइंसाइड कर जाएं, अर्थात उसमें घुमाव हो ही ना, अगर इस तरह से दिखाए तो इसको हम 0 डिग्री, दोनों की दिशाएं एक ही दिशा में हो, अर्थात दोनों रो एक ही दिशा में जाएं, उनके बीच का फैलाव कुछ ना हो, तो उसको हम 0 डिग्री एंगल कहेंगे। ये हम लोग पिछले क्लासों में पढ़ चुके थे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, हमारे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हम लोग पीछे क्लास में पढ़े, इसको रिवाइज किया। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे, पेयर ऑफ एंगल्स। तो पेयर ऑफ एंगल्स में पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल,
टू एंगल हुज सम इज 90 डिग्री इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर द फिगर शोन द एबव द सम ऑफ एंगल्स ए एंड बी इज 90 डिग्री हेंस दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ देखिए ये दो एंगल ए एंड बी हैं जिनका सम 90 डिग्री है, तो एंगल ए एंड बी का सम अगर 90 डिग्री है तो इसे हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल और हिंदी में कहते हैं कोटपूरक कोण। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल, द टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर द फिगर शोन एबव सम ऑफ द एंगल्स 45 एंड 135 इज 180 डिग्री हेंस द टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो अब यहाँ देखिए चित्र में ये दो एंगल हैं, एक 135 डिग्री है दूसरा 45 डिग्री है, तो दोनों का सम हमारा 180 हो जाता है, तो ये सप्लीमेंट्री है। इसको मान लीजिए जैसे ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो 30 और 60 कितना हो गया 90, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। और जब दोनों का सम 45 प्लस 135 ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, तो ये कहलाएगा हमारा सप्लीमेंट्री। तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेज में, सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट टॉपिक है एडजेसेंट एंगल, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स कॉमन आर्म्स एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। व्हेन टू एंगल्स आर एडजेसेंट देन देयर सम इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल फॉर्मेड बाई द टू नॉन कॉमन आर्म्स फॉर द फिगर शोन एबव एंगल ए बी डी एंड एंगल डी बी सी आर एडजेसेंट एंगल। हियर रे बी डी इज ए कॉमन एंड बी इज कॉमन वर्टेक्स एंड रे ए बी एंड बी सी आर नॉन कॉमन, हेंस द एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी डी सी। जब इस चित्र में देखिए जब दो एंगल एक दूसरे के साथ बने हों तो उनमें एक कॉमन आर्म जैसे एंगल ए बी डी और ए बी डी बी सी में बी डी कॉमन आर्म है, बी दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स है और शेष दो नॉन कॉमन वर्टेक्स जो है कॉमन आर्म के दोनों तरफ हों, तो जैसे ए बी और बी सी बी डी के दो दिशाओं में हैं, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे कि ये नॉन कॉमन है। तो ये देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या कहलाएंगे एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है हिंदी में जिसे कहते हैं आसन, अर्थात एक दूसरे पर बैठा हुआ एक दूसरे से जुड़ा हुआ एडजेसेंट। तो जो इन दोनों एंगल का सम जो है जो कॉमन आर्म नहीं है उनके एंगल के बीच में बराबर है, अर्थात एंगल ए बी सी जो है एंगल बी ए बी डी और बी डी बी सी के योग के बराबर होगा। तो ये ऐसा है तभी संभव है, अगर ये है अगर हम इसको ऐसे लिखते एंगल ए बी डी और एंगल ए बी सी, तो ये दोनों एडजेसेंट नहीं है क्योंकि इन दोनों का सम एंगल ए और बी से ज़्यादा होगा। यहाँ भुजा सा एक कॉमन है ए बी और दोनों का वर्टेक्स बी कॉमन है, लेकिन ये दोनों भुजाएं बी डी और बी सी इस कॉमन भुजा ए बी के एक ही तरफ हैं, इसलिए इसे हम एडजेसेंट एंगल नहीं कहेंगे। अब समझ रहे हैं, समझ में आ गया होगा यह बात, तो इसको आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर इफ दे आर एडजेसेंट एंगल फॉर्मेड बाय द टू इंटरसेक्टिंग लाइंस
द लीनियर पेयर ऑफ एंगल मस्ट एडेड अप टू 180 डिग्री फॉर द फिगर शोन अबव. एंगल ए बी डी एंड बी डी सी आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल. तो आप चित्र में देखिए, ये हमारा दो एंगल है, एंगल ए बी डी और बी डी सी. तो जो कामन भुजा है उसके नॉन कामन भुजा अगर एक दूसरे के विपरीत हो जाए तो हमारा वो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर कहलाएगा, अर्थात दोनों का सम 180 के बराबर हो जाएगा. तो ये जो हमारी भुजा कामन भुजा है बी डी और ए बी और बी डी ए बी सी नॉन कामन भुजा है, तो ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में हैं, तब ये जो दोनों एंगल कहलाते हैं पेयर ऑफ एंगल, ये कहलाते हैं लीनियर पेयर. रैखिक युग्म इसको हिंदी में कहते हैं. तो इसे ध्यान रखिए, इस पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं और इसका बहुत उपयोग है. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. दीज आर एंगल्स अपोजिट ईच अदर व्हेन द टू लाइंस क्रॉस फॉर फिगर शोन. एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. आल्सो एंगल ए ओ सी एंड बी ओ डी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. इस फिगर में देखिए, हम वर्टिकली अपोजिट कब कहते हैं, जब एक लाइन दूसरे लाइन को क्रॉस करे तो उनके बीच में जो एंगल्स बनता है उसे हम वर्टिकली अपोजिट कहते हैं. तो वर्टिकली अपोजिट के दो पेयर होते हैं, क्योंकि चार एंगल बनते हैं तो उसमें एक दूसरे के विपरीत जो एंगल होता है उसको हम वर्टिकली अपोजिट, अर्थात हिंदी में शीर्षाभिमुख, मतलब मुंह दोनों का अलग अलग दिशा में होता है लेकिन सर एक ही जगह. तो आप यहाँ देखिए, इन सारों एंगल का वर्टेक्स तो ओ ही है लेकिन एंगल ए ओ डी का जो है इधर खुला हुआ है, एंगल सी ओ डी का ये जो है नीचे की तरफ खुला है, ये बाएं तरफ खुला है, ये दाएं तरफ. एंगल ए ओ सी बाएं तरफ खुला है और एंगल डी ओ बी दाहिने तरफ खुला है. तो ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हैं, अर्थात वर्टिकली अपोजिट हैं, इसलिए इन्हें जो है ये मान में भी बराबर होते हैं. इसको हम लोग आगे सिद्ध करेंगे कि कैसे ये दोनों बराबर होते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इंटरसेक्टिंग लाइंस, दीज आर द लाइंस विच आर क्रॉस ईच अदर फॉर द फिगर शोन अबव. लाइंस पी क्यू एंड आर एस आर इन द इंटरसेक्टिंग लाइंस. अब ये देखिए, दो लाइन, एक है पी क्यू और दूसरे आर एस, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है. सपोज दैट ये एक दूसरे को ओ बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम पी क्यू और आर एस को इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे. जब दो लाइन एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं तो हम इनको इंटरसेक्टिंग आर छेदक रेखा कहते हैं. नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, दीज आर लाइंस विच डू नॉट क्रॉस ईच अदर फॉर द फिगर शोन अबव. द लाइंस पी क्यू एंड आर एस आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. देखिए, ये दो लाइन पी क्यू एंड आर एस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो इन्हों नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को हम पैरेलल लाइंस भी कहते हैं. कोई भी दो लाइनें हैं अगर वह एक दूसरे को किसी एक दिशा में बढ़ाने पर अगर काट देती हैं, जैसे ये लाइन और ये लाइन, ये इंटरसेक्ट नहीं करे लेकिन अगर इसको आगे इधर बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को काट देगी, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी. लेकिन अगर कोई दो लाइन कहीं नहीं एक दूसरे को काटे तो उन्हें हम नॉन इंटरसेक्टिंग अर्थात पैरेलल. तो संभावना दो लाइनें हैं तो दोनों या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या तो पैरेलल होंगी, तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को हम पैरेलल लाइंस भी कहते हैं. तो ये ध्यान रखिएगा. अगला टॉपिक है एक्जियम्स. एक्जियम है, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180 डिग्री. अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर जो है एक लाइन खड़ी है, तो जैसे देखिए, एक ये हमारी लाइन है, इस पर कोई एक लाइन ऐसे खड़ी है, तो इनका दोनों का सम 180 होगा.
तो ये दोनों लाइन को क्या कहेंगे, ए इफ ए रे स्टैंड ऑन देन सम द टू एडजेसेंट एंगल आर फॉर्म 180 डिग्री। दूसरा है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एंगल फॉर्म ए लाइन। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन जो है 180 बना रही हैं, दो एडजेसेंट एंगल हैं। अगर हम इसके नाम दे दें इस तरह ए ओ बी और इसको कह दें सी, तो एंगल ए ओ सी और एंगल ओ बी का सम 180 डिग्री है, तो एंगल आर्म ओ ए एंड ओ बी एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, ये नॉन कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म हमारा ओ सी है, तो ये सीधी लाइन बनाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब अगर दो एडजेसेंट एंगल सम है तो उनकी नॉन कॉमन आर्म एक सीधी लाइन बनाएंगी। थियरम, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हमारा थियरम है, अभी हमने कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे जब वर्टिकली एंगल पढ़े थे, तो इसको प्रूफ करेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। देखिए प्रूफ, सपोज ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ए पॉइंट ओ। यहाँ देखिए फिगर में ये एक लाइन सी डी और ए डी एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब आगे देखिए, हियर द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्मेड आर, फर्स्ट है एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी, दूसरा है एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी, एंड वी नीड टू प्रूव दैट एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी एंड एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये एंगल इसके बराबर और ये इधर का एंगल इसके बराबर होगा। हियर रे ओ स्टैंड ऑन द लाइन सी डी, हेंस द एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री एज पर द पेयर ऑफ एग्जिमेंस। सिमिलरली जो है एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। हम ये देख रहे हैं कि हमारी ये जो लाइन है सी डी, इस पर ये लाइन ओ ए पड़ी है, तो एंगल ए ओ सी और ए ओ डी का सम 180 होगा। उसी तरह लाइन ए बी पर ये लाइन ओ डी जो है परपेंडिकुलर पड़ी हुई है, इसलिए एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ डी का सम 180 होगा। तो जब ये दोनों जब 80 होंगे तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। ऑन द इक्वेटिंग बोथ साइड वी गेट एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। तो ए ओ डी से ए ओ डी कट गया, तो हमको एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी मिल गया, अर्थात एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी ये वाला दोनों कैंसिल हो गया दोनों में, तो ये दोनों बराबर हो गए। इसी तरह हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल सी ओ बी बराबर एंगल ए ओ डी, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ये परीक्षा में पूछा भी जाता है प्रूफ करने के लिए, तो इसको याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ सम एग्जाम्पल्स। फॉर पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू देन प्रूव दैट एंगल पी ओ पी क्यू यस एंड पी आर टी बराबर होंगे। तो अब यहाँ देखिए, फ्रॉम फिगर वी कैन सी दैट एंगल पी क्यू यस एंड एंगल पी क्यू आर फॉर्म द लीनियर पेयर। ये देखिए एंगल पी क्यू यस और एंगल पी क्यू आर एक स्ट्रेट पेयर बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। उसी तरह एंगल जो है, हेंस एंगल पी क्यू यस एंड पी क्यू आर 180 डिग्री। उसी प्रकार तो एंगल पी क्यू यस बराबर हो जाएगा 180 माइनस एंगल पी क्यू आर, तो ये एंगल मिलने के लिए हम 180 में से इसको घटा देंगे। ऑल दो फॉर्म द फिगर वी कैन सी दैट एंगल पी आर क्यू एंड एंगल पी आर टी फॉर्म ए लीनियर पेयर। अब ये दोनों देखिए, ये लीनियर पेयर बनाता है, क्यू
आर टी पर पी ओ आर एक लाइन स्टैंड करती है, तो ये भी एक लीनियर पेयर बनाएगा। इसलिए जो है एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर क्यू हो गया। तो अब यहाँ देखिए हमको क्या दिया था, ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो हमको क्या मिलेगा नेक्स्ट में, गिवेन दैट एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। जब ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों इक्वेशन से हमको क्या मिलेंगे, देखिए एंगल पी आर टी बराबर 180 माइनस एंगल पी क्यू आर, फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन हो गया, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। अब दोनों को मिला देंगे प्राइम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमको क्या मिल जाएगा, एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी टी आर बराबर 180 माइनस पी क्यू आर, पी क्यू आर 10 जो एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी टी आर, क्योंकि इन दोनों के बराबर हमारा जो है 180 है, इसलिए इन दोनों से ये बराबर हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल, ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस आर द फोर रे, प्रूव दैट एंगल पी ओ क्यू एंगल क्यू ओ आर एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल टू 180 डिग्री। अब फिगर देखिए, ये फिगर है, इसमें चार लाइनें हैं, ऊपर मिलती हैं आके चारों रे ओ से निकलती हैं, तो जब चारों रे ओ से निकल रही हैं तो इस तरह चार एंगल बने हुए हैं, पी ओ क्यू एंड क्यू ओ आर एंड एस ओ आर एंड पी ओ एस, और चारों का सम 360 होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ करते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट लेट अस मेक अ रे ओ टी शोन इन द फिगर बिलो, लाइन टी क्यू फॉर्म द एबव फिगर वी कैन सी दैट द रे ओ टी, तो ओ टी देखिए हम लोगों ने खींच लिया इधर, इसको बढ़ा दिया, तो ये लाइन ओ टी ओ क्यू हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, हेंस एज पर द लीनियर पेयर एग्जमिन एंगल टी ओ पी टी ओ पी और पी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री पहला हो गया, दूसरा सिमिलरली फॉर्म द एंग फिगर फ्रॉम द फिगर बी कैन सी दैट रे ओ एस स्टैंड ऑन टी क्यू, ये इस पर है, तो अब देखिए हेंस द एज पर लीनियर पेयर एग्जियम्स एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, बट फ्रॉम द फिगर एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू एंगल एस ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर, सो एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री, अर्थात एंगल एस ओ टी एंड एस ओ आर एंड आर ओ क्यू, ये तीनों का मान 180 होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, देखिए एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमको मिल जाएगा एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 360 डिग्री, फ्रॉम द फिगर एंगल टी ओ पी प्लस एंगल टी ओ एस इक्वल टू एंगल पी ओ एस, क्योंकि ये दोनों मिला के एक ही एंगल है इसलिए इसको एक ही लिखा गया, अब उनके जगह लिख दिया जाएगा एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल ओ पी एस इक्वल टू 360 डिग्री, हेंस प्रूफ्ड। यस, प्रूफ किया गया, इसको देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल लाइन अगला टॉपिक है हमारा। तो यहाँ देखिए हमारी दो लाइन यल और यम और यन है, एक तीसरी लाइन इसको यल दो बिंदु पी और क्यू पर काट रही है, तो ट्रांसवर्सल लाइन, इट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू आर मोर लाइंस एट द डिस्टिंक्ट पॉइंट, देयर लाइंस यल इज इंटरसेक्ट लाइन यम एंड यन एट पी एंड क्यू,
रिस्पेक्टिवली. दस द लाइन L इज द ट्रांसवर्सल लाइन फॉर लाइन M एंड N. तो यहाँ M और N के लिए L ए ट्रांसवर्सल लाइन है. इसमें एक्सटीरियर एंगल देखिए, दीज आर एंगल्स आउटसाइड द लाइन M एंड N. हीयर एंगल एक, एंगल दो, एंगल तीन, एंगल सात, एंगल आठ आर एक्सटीरियर एंगल. देखिए यहाँ एंगल एक या तो ये हमारी M और N लाइन है, तो ये जो एंगल बाहर है इसके ऊपर लाइन M के ऊपर एक और दो, N के नीचे दो, आठ और सात, ये दोनों हमारे एक्सटीरियर एंगल हैं. उसी तरह इंटीरियर एंगल हमारे होंगे कौन कौन से. इंटीरियर एंगल दीज आर द एंगल इनसाइड द लाइन M एंड N. हियर एंगल थ्री एंड फोर, एंगल फाइव एंड सिक्स आर इंटीरियर एंगल्स. तो ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं. अब जो है करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज आर द एंगल्स इन द मैचिंग कॉर्नर वेयर फर्स्ट एंगल वन एंड फाइव, थर्ड जो है एंगल टू एंड सिक्स, एंगल फोर एंड एंगल एट, एंड एंगल थ्री एंड एंगल सेवन आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो करेस्पॉन्ड ये आठ एंगल में से दो दो का पेयर बना के चार पेयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के होते हैं. तो इसे हम करेस्पॉन्डिंग अर्थात संगत कोण, उसमें एक एक्सटर्नल होता है एक इंटरनल. जैसे एक हमारा एक्सटर्नल एंगल है फाइव इंटरनल एंगल है, दो एक्सटर्नल है छः इंटरनल है, तीन इंटरनल है सात एक्सटर्नल है, चार इंटरनल है आठ एक्सटर्नल है. तो एक एक्सटर्नल एक इंटरनल एंगल मिला के जो पेयर बनता है वो करस्पॉन्डिंग एंगल का बनता है, और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ होते हैं, इसको ध्यान रखना है. ये दूसरा है फिगर, इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, द एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड इनसाइड द टू लाइंस आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. हियर फर्स्ट एंगल फोर एंड एंगल सिक्स, सेकेंड एंगल थ्री एंड एंगल फाइव आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. आप यहाँ देखिए एंगल जो है थ्री, इधर एंगल फोर एंड सिक्स एंड थ्री एंड फाइव, दीज आर द इंटीरियर एंगल्स. इसी तरह नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इसमें जो है आप द एंगल्स आर फॉर्मेड बाई अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर टू लाइन्स एयर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. हियर द फर्स्ट एंगल एक एंड सेवन, सेकेंड पेयर है टू एंड एट. तो अल्टरनेट इंटीरियर आर एक्सटीरियर एंगल के दो दो पेयर होते हैं. नेक्स्ट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, फर्स्ट है एंगल चार एंड पाँच, दूसरा है एंगल तीन और छः, ये जो है सेम साइड द इंटीरियर ट्रांसवर्सल लाइन इज द अर्थात दे आर आल्सो नोन एज द कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर एलियार्ड इंटीरियर को इंटीरियर एंगल कहलाते हैं. तो एक को छोड़कर जैसे चार पाँच है तो चार पाँच एक तरफ, इधर के दो छोड़ के. अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक. यहाँ लाइन L और M है, एक लाइन इसको L काट रही है दो बिंदु बिंदुओं पर, इसमें चार एंगल बने हुए हैं एक दो तीन चार छः सात आठ. तो पहला है एक्जियम्स है, इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. हीयर फर्स्ट एंगल एक एंड एंगल पाँच एंड एंगल टू एंड एंगल सिक्स, थर्ड जो है एंगल फोर एंड एंगल एट, फोर इज एंगल थ्री एंड एंगल सेवन आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स. अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. और इसका उल्टा होता है, अगर दो लाइन हैं अगर उसके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो वो लाइन पैरेलल होगी. तो यहाँ देखिए द इफ द ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस देयर द पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल ईच अदर.
इसके बाद अगला है थियरम, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, हियर एंगल 4 and 6, एंगल 3 and 5 आर इक्वल। अर्थात दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। इसी का उल्टा जो है, अगर दो लाइंस के इंटीरियर एंगल इक्वल हैं इंटरसेक्ट और ट्रांसवर्सल लाइन, तो वह लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब जो है थ्योरम 3 देखिए, इफ अ ट्रांसवर्सल इन द इंटरसेक्टिंग लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल इन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। यदि जो है ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है दो पैरेलल लाइंस को, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के लाइंस क्या होती हैं कि सम जो है सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे एंगल 4 और एंगल 5 180 बराबर, एंगल 3 और एंगल 6 भी का मान भी 180 के बराबर होगा। ये पैरेलल लाइंस के कांसेप्ट हैं, उल्टे और सीधे दोनों। तीसरा है, चौथा थ्योरम कहेगा उल्टा उसका है तीसरे का, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर द सेम साइड इज ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। अब यहाँ हम एग्जांपल देखते हैं, थ्योरम है हमारा पहले, लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अर्थात दो लाइनें पैरेलल हैं और पहला के पैरेलल दूसरा है, दूसरे के पैरेलल तीसरा है, तो पहला और तीसरा भी पैरेलल होगा। एग्जांपल से देखिए, इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ पैरेलल परपेंडिकुलर सी डी एंड एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री, फाइंड द एंगल ए जी ई एंड जी ई एफ एंड एंगल ई एफ जी ई। ये फिगर हमारा है, इसमें दो लाइनें हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी है और ई एफ जो है ई डी पर ये परपेंडिकुलर है, और हमारा एंगल जी ई डी, जी ई डी ये 126 है, तो बताना है हमारा एंगल ए जी ई, ए जी ई कितना होगा। तो ये दोनों पैरेलल है तो ए जी ई भी हमारा 126 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। फिर हमको कह रहा है जी ई एफ, तो ये 126 है, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 126 माइनस 90, तो कितना हो जाएगा 36 डिग्री। अब एंगल एफ जी एफ जी ई, एफ जी ई कितना होगा, ये 126 है, तो 180 में से इसको घटा दें तो ये हमको मालूम हो जाएगा, तो 180 माइनस 126 ये हो जाएगा 4, ये 7 हो गया, 5 to 45 डिग्री, ये एंगल हो गया हमारा 54 डिग्री, ये 36 डिग्री। तो देखिए सोलूशन इसका, फ्रॉम द फिगर वी कैन सी दैट एंगल ए जी एंड एंगल जी ई फॉर्म द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफोर एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री आंसर हो गया। फ्रॉम द फिगर वी कैन सी दैट एंगल जी ई एफ एंड इक्वल टू एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी इक्वल टू 126 माइनस 90 इक्वल टू 36 डिग्री। अगेन फ्रॉम द फिगर वी कैन सी दैट द एंगल एफ जी ई एंड एंगल ए जी ई आर लीनियर पेयर, देयरफोर एंगल एफ जी ई प्लस एंगल
AG is equal to 180 degree. Therefore, the angle 180 degree minus 60 degree equal to 54 degree. ये हमारा आंसर हो गया. तो इसको आप लोग देख लिए. हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. अगला एग्जांपल हमारा है एंगल लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी, सी डी पैरेलल टू ई एफ, आल्सो ए ई परपेंडिकुलर टू ए बी. इफ एंगल बी ई एफ इक्वल टू 50 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई जेड. तो आप देखिए सॉल्यूशन फ्रॉम द फिगर वी कैन सी दैट एंगल Y एंड एंगल EDF हैव द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ED. तो ये हमारा फिगर है. इसमें AB पैरेलल टू CD है, ये 55 है. तो अब इसमें हमको जो जो भी एंगल पूछा है X, Y, Z, तो ये बता सकते हैं. ED परपेंडिकुलर किस पर है? AB पर. ये 90 डिग्री है, ये 55 है. तो ये दोनों का सम 150 होगा. तो वो पहले तो हम वाई एंगल निकाल लेंगे कितना होगा. वाई और एक्स दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग हैं. तो 180 माइनस 55 हमारा एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी. तो यहाँ 5, यहाँ हमारा जो है बचेगा 7. 7 में से 5 जाएगा 2 और 1, 125 डिग्री एक्स और वाई, ये भी 125 डिग्री हो जाएगा. अब हमको एंगल जेड बताना है. तो इसका और इसका सम जेड होगा. तो जेड बराबर हो जाएगा 125 माइनस 90. तो कितना हो जाएगा? 5 और 9 3 12, 35 डिग्री जेड की वैल्यू हो जाएगी. तो इसका सलूशन देखिए. हम लोग इससे भी कर सकते हैं. तो इसका सलूशन हम लोग देख लेते हैं. देयरफॉर एक्स प्लस वाई 50 इजकल टू 180 डिग्री. देयरफॉर वाई इजकल टू माइनस 150 इजकल टू 125 डिग्री. नेक्स्ट फ्रॉम द फिगर वी कैन सी दैट ए बी पैरेलल टू सी डी सो एज पर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्जियम्स x इजकल टू वाई सो x इजकल टू 150 डिग्री. फ्राम द फिगर वी कैन सी दैट ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, हेंस ए बी पैरेलल टू ई एफ. देयर फोर एंगल ई ए बी प्लस एंगल एफ ई ए इक्वल टू 180 डिग्री. ये फर्स्ट इक्वेशन है. फ्राम द फिगर एंगल एफ ई ए इक्वल टू एंगल एफ ई बी प्लस एंगल बी ई ए. सब्स्टिट्यूटिंग इन द फर्स्ट वी गेट एंगल ई ए बी प्लस एंगल एफ ई बी प्लस एंगल बी ई ए इजकल टू 180 डिग्री. ये ट्रेंगल हो गया. तो ट्रेंगल की तीनों का सम एंगल 180 होता है. इसलिए 90 प्लस जेड प्लस 55 इक्वल टू 180 डिग्री. देयर फोर जेड इजकल टू 35 डिग्री. ये हमारा आंसर हुआ. इसको हम लोग पहले भी निकाल चुके थे. ये सलूशन है. चलते हैं नेक्स्ट. हम लोग यह है सम ऑफ एंगल इज ए ट्रेंगल इज 180 डिग्री. ये थियरम है एंगल सम प्रॉपर्टी का कि किसी भी ट्रेंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है. तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं. एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूफ हमारा पहला है ये ट्रेंगल. फॉर द गिवन ट्रेंगल पी क्यू आर वी नीड टू प्रूफ दैट एंगल एक धन एंगल दो धन एंगल तीन बराबर चार. यहाँ हम जो है किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के सम का 180 प्रूफ करेंगे. तो फर्स्ट वी विल ड्रा अ लाइन एक्स पी वाई पैरेलल टू क्यू आर पासिंग थ्रू पी सो इन फिगर बिलो. फ्रॉम द फिगर ये देखिए दूसरा फिगर क्यू आर के पैरेलल हमने एक लाइन पी के साथ खींच लिया पी एक्स पी वाई. तो अब ये जो पैरेलल है इसलिए एंगल 4 2 के बराबर हो जाएगा. एंगल 5 3 के बराबर हो जाएगा. 1 इसमें कॉमन है. तो
तो ये तीन पूरा लीनियर पेयर है, इसलिए इसका सम 180 होगा, इसलिए इन तीनों का भी सम होगा। तो यहाँ देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 1 एंड एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर है। हियर एक्स पी वाई पैरेलल टू क्यू आर, तो पी क्यू एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल, सो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सब्स्टिट्यूटिंग एंगल 4 एंड एंगल 5 इन द इक्वेशन फर्स्ट वी गेट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये प्रूफ हुआ, हेंस द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये प्रूफ हुआ, ये प्रूफ पूछा भी जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखिए, छोटा प्रूफ है लेकिन पूछा भी जाता है परीक्षाओं में। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है थ्योरम 2। इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। किसी भी ट्रायंगल के अगर एक लाइन को प्रोड्यूस कर दें तो वह एंगल उसके अपोजिट के टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। अर्थात देखिए इसमें एंगल 4 जो है एंगल 1 और 2 के सम के बराबर होगा। यह एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी है, इसका उपयोग हम लोग बहुत करते हैं। तो एक सवाल देखते हैं, एग्जांपल साइड पी क्यू एंड क्यू आर आर प्रोड्यूस टू ए पॉइंट एस, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट टी, देन प्रूव दैट एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर। ये देखिए चित्र में वी आर शोन इन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स। ये हमारा है ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी का जो है क्यू पी क्यू आर का बाइसेक्टर जो है क्यू टी है, और एंगल एक्सटीरियर एंगल पी आर एस का बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर आर टी है। तो अब देखिए इसको प्रूफ करना है कि एंगल क्यू टी आर हाफ हाफ एंगल क्यू पी आर होगा। तो देखिए सो एंगल टी आर एस इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी क्यू आर, इसलिए एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। तो एंगल क्यू टी आर जो है हमारा इसके बराबर हो गया टी एस आर माइनस टी क्यू आर, इसमें से घटा दिया, इसमें से इसको हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, अर्थात क्यू टी आर बराबर लिख लिया टी एस माइन एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर। तो ये समझ में आ गया होगा कैसे आया। सिमिलरली एंगल एस पी आर और एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल टू क्यू आर, ये जो है दूसरा इक्वेशन हो गया। और इस फिगर में एंगल एस पी आर एस आर पी जो है एंगल टू टी आर एस के बराबर है, क्योंकि ये इसका एंगल बाई सेक्टर है, इसीलिए एंगल पी क्यू आर जो है टू एंगल टी क्यू आर के बराबर है। अब हम क्या करते हैं देखिए, हेंस द इक्वेशन सेकेंड बिकम, सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, देखिए ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। एस पी आर की जगह हम टू क्यू आर रख सकते हैं और क्यू पी आर की जगह टू क्यू आर रख सकते हैं। तो देखिए एंगल टू टी आर एस इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस टू एंगल टी क्यू आर, ये हो गया। अब एंगल क्यू पी आर इक्वल टू टू एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर, वन अपान टू कामन ले लिया, तो यहाँ से हमारा इक्वेशन क्यू पी आर के बराबर बचा, जो यहाँ है उसको घटा दिया टी आर एस माइनस, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। ऑन द इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड
थर्ड इक्वेशन फर्स्ट के थर्ड कर दिया, वी गेट हमको क्या मिल गया, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ हाफ एंगल पी क्यू आर। यहाँ देखिए एंगल थर्ड है और ये दोनों हिस्सा इधर के बराबर हैं, तो ये क्यू टी आर बराबर क्या हो गया, हाफ क्यू पी आर, ये प्रूफ हुआ। तो धन्यवाद बच्चों, सबको धन्यवाद, समझ रहे हैं कि ये टॉपिक समझ में आई होगी और आप समझ गए होंगे अच्छे से। सबको थैंक यू।